expected to perform the pre-formulation study on given sample. Sample हमारा paracetamol है, PCM. Pre-formulation study हम करते क्यों? Pre-formulation study का purpose क्या है? कि pre-formulation जो होती है, हमारी जो formulation जो बनाने जा रहे हैं, उससे पहले की जो step होती है, इसको बोलते हैं pre-formulation. उसके अंदर physical और chemical property जो है, जो भी हमारा excipient हो, API हो, यानी कि जो drug है, excipient है, उसकी हम study करते हैं, उसकी physical और chemical parameter को check करते हैं. ये होता है pre-formulation. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने एपीआई लिया है, ड्रग लिया है पैरासिटामोल, उसकी हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे. ठीक है, तो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी. ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका ऑर्डर कैसा है ना, आपको अपीयरेंस कैसा है, किस लाइन है, एमरफस है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका. सेकेंड है उसकी सॉलिबिलिटी, क्योंकि सॉलिबिलिटी मतलब कि सॉल्वेंट में सॉलिबल है. तो सॉलिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? डिफरेंट सॉल्वेंट्स लेंगे, अलग अलग पोलर, नॉन पोलर, सेमी पोलर सॉल्वेंट, वाटर बफर भी ले सकते हैं. तो सॉल्वेंट में उसकी सॉल्विटी चेक करेंगे. सॉल्विटी चेक करने के दो तरीके होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस. यहाँ पर हम अभी फिलहाल लैब लेवल पर जो है हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि नॉर्मली आपका जो ड्रग है एपीआई वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. डेंसिटी अगर हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के बेस पर अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम उसकी पाउडर की डेंसिटी भी देखेंगे. डेंसिटी में हम ट्रू डेंसिटी, इसकी बल्क डेंसिटी निकालेंगे. ट्रू डेंसिटी बल्क डेंसिटी क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसकी पोरोसिटी को कैलकुलेट करना होता है. तो इस बेस पर हम क्या करेंगे, इसकी पोरोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे. दूसरा, अगर टैबलेट डोजेस फॉर्म को देख के अगर कर रहे हैं तो फ्लो प्रॉपर्टी भी जरूरी है उसकी जानना, कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी. फ्लो प्रॉपर्टी क्या बताती है? कि एंगल रिपोज को बताती है. एंगल रिपोज अगर जितना कम होगा प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी. तो उसको हम पाउडर को एक बार देख लेंगे, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी, उसका थीटा कितना है. कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेस के टाइम पे काम आती है, हम ग्रेनुलेशन जब बना रहे होते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है. इसका नाम कास इंडेक्स और ऑस्टनल रेशो देते हैं. तो बेसिक जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम ये प्री फॉर्मेशन स्टडी को करेंगे. तो उसमें पहले हमने इसके कलर, ऑर्डर और टेस्ट को चेक किया. ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी सीन, वी कैन सी कि वाइट पाउडर है. ऑर्डर, इसका ऑर्डर लेस था, टेस्ट हल्का सा बेटर था. ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी हमने ये चेक किया. ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर हमने चेक किया. ये पहला सॉल्वेंट हमने लिया, ये क्या था? बेंजीन. बेंजीन में देख सकते हैं कि आप ये जो है हमने 10 मिनट तक शेक करके इसको स्टैंड कर दिया था आधे घंटे के लिए. फिर चेक किया तो उसकी सॉलिबिलिटी दिख रहा है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है. ये वाटर है, वाटर में हम देख सकते हैं कि हो चुका है, कंप्लीट सॉल्युबल हो चुका है. ये पैरासिटामोल हमारा इसके अंदर जो भी ड्रग है इसके अंदर सॉल्युबल है. ये हमारा जो है मिथनॉल है, मिथनॉल में जो है हमारी कंप्लीटली सॉल्युबल है पैरासिटामोल. ठीक है, लास्ट वन एसीटोन, एसीटोन में भी क्लियर सॉल्युबल है. ठीक है, बॉटल लिया था आरडी बॉटल के, हमने उसको एम्प्टी आरडी बॉटल को वेक कर लिया डब्ल्यू वन. ठीक है, इसका जो वेट है डब्ल्यू वन ग्राम है. डब्ल्यू टू के लिए हमने इसके अंदर पाउडर वेक किया, जो भी हमारा सैंपल था सैंपल को हमने डाला इसके अंदर अप टू द नेक, पाउडर फिल किया है उसको हमने वेट कर लिया, डब्ल्यू टू हो गया. फिर इसके अंदर हमने सॉल्वेंट ऐड किया है. सॉल्वेंट जो भी होना चाहिए, दैट शुड बी इनसॉल्युबल इन द पर्टिकुलर ड्रग. तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया वो इनसॉल्युबल है. इसके अंदर हम सॉल्वेंट ऐड करके फिर हमने इसको वेक किया विद नेक डब्ल्यू थ्री आ गया. उसके बाद हमने उसकी बाय द कैलकुलेशन हमने ट्रू वॉल्यूम निकाल लिया और ट्रू वॉल्यूम के बेस पर हम उसकी पोरोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. पाउडर मेजर किया है उसको हम एज पर द प्रोसीजर, जिसके लिए हम क्या करते हैं हार्ड सरफेस लेते हैं, उस पर हम उसको टैपिंग करते हैं. टैपिंग तीन बार करेंगे, हाइट ऑफ वन इंच और 2-2 सेकंड के इंटरवल पे. और जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा वॉल्यूम जो होगा वो बल्क वॉल्यूम होगा. जैसे आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, हमने तीन बार टैप किया, वन एट हाइट ऑफ वन इंच 2-2 सेकंड के इंटरवल पर करना, टू एंड थ्री. फाइनल जो वॉल्यूम आया जैसे देख रहे हैं आपको 22 आ गया इसका. दिस इज अ बल्क वॉल्यूम 22. पहले फनल लिया था, स्टैंड पर उसकी हाइट और डायमीटर को मेज़र किया. जैसा कि आप सर्किल में देख सकते हैं डायमीटर, तो ऑन द बेस एवरेज डायमीटर हमने कैलकुलेट किया. हाइट की पाइल जैसे आपने वीडियो में देखा था, इसमें हाइट मेज़र किया. हाइट और फार्मूला जो होता है एंगल ऑफ रिपोज का, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर होता है. तो डायमीटर का हाफ हम ले लेंगे, यहाँ पर 7.86 की जगह 3.43 आ जाएगा. और हाइट अपॉन आर से हम जो है कैलकुलेट कर देंगे टेन थीटा जो है. इसका हम एंगल अगर कैलकुलेट करते हैं टेन इनवर्स तो वो आता है 45.56 डिग्री. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट वी नो कि एंगल ऑफ रिपोज जो है बहुत ज़्यादा है. इसके अंदर हमें ग्लैडेंट और या लुब्रिकेंट जो है हमें ऐड करना पड़ेगा और ताकि एंगल ऑफ रिपोज जो है इसका ऑप्टिमम हो सके. हमने इसको टैपिंग किया 150 टाइम्स. इनिशियली इसका जो वॉल्यूम था 30 के आसपास था और अभी जो है आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम टैप करने के बाद 150 टैपिंग के बाद ये 17 हो गया. तो फाइनली हमारा ये टैप्ड वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया.